हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके स्मार्टफोन में किसी स्मार्टफोन में आपको जो है दिखाई देता होगा दोस्तों कि आपको जो है आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड दिखाई दे रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी किसी स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड नहीं दिखाई देती है। किस तरीके से दोस्तों, तो आप किस तरीके से जो है अपने फ़ोन की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को जो है हमेशा ट्रैक कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, ये फीचर जो है स्मार्टफोन कंपनीज़ अपने अपने स्मार्टफोन में देती हैं। कुछ स्मार्टफोन्स में ये फीचर पहले से ही आता है और कुछ स्मार्टफोन्स में ये फीचर नहीं आता है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं और सेटिंग्स में जा करके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं नेट स्पीड, और उसके बाद इसे सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों नेट स्पीड के नाम से यहाँ पर कोई भी सेटिंग मिल जाती है, या आप सिर्फ स्पीड लिखेंगे तो भी अगर आपको सेटिंग मिल जाती है, तो आप जो है यहाँ पर अपने नेट की स्पीड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो कि आपके होम स्क्रीन पर आपको हमेशा शो करेगा यहाँ पर। पर अगर आपको यहाँ पर वो सेटिंग नहीं मिलती है, तो दोस्तों उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, और आपको जो है हमेशा यहाँ पर आपकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड हमेशा दिखाता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइप करना है नेट स्पीड इंडिकेटर। ये देखिए दोस्तों, ये टाइप करने के बाद दोस्तों आपको इसे सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो थर्ड नंबर पे एक एप्लीकेशन दिख रही है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नेट स्पीड इंडिकेटर के नाम से काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, पर क्योंकि इस एप्लीकेशन का साइज जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन अप कर लेना है। चलिए इसे यहाँ से ओपन अप कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसे ओपन अप करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सबसे टॉप में, अनेबल इंडिकेटर। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऊपर जो है आपकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है, और अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका डाउनलोड और अपलोड स्पीड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको इसे यहाँ से बंद कर देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है आपकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड शो कर रहा है। अब एक बार यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड किस तरीके से शो करता है। तो उसके लिए हम आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाएंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर वूट ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो हम इसे सर्च कर लेंगे, और सर्च करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और अब ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड कुछ दिखा रहा है क्या। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर, अगर आपको ये फीचर नहीं मिला है जहाँ से आप अपनी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड देख सकते हैं, तो इस फीचर को आप यहाँ पर इस सेटिंग्स के इस्तेमाल से ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।